दोस्तों बिग बॉस ओटीटी लाइव में नजर आ रहा है कि कैसे प्रतीक सेजपाल हो रहे हैं धीरे धीरे नेहा से इरिटेट। जी हां दोस्तों, दरअसल बता दूं आपको कि देर रात यहां पे अक्षरा सिंह, प्रतीक सेजपाल, समिता और कुछ घरवाले वहां पे खड़े होते हैं किचन एरिया के पास और खाना बना रहे होते हैं। जहां दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पे सभी लोगों के लिए डिनर तैयार हो रहा होता है, वहीं पे जो जो डिनर तैयार कुछ कुछ जो खाना बन चुका है उसको लोग खा रहे होते हैं, जिसमें एक प्रतीक सेजपाल होते हैं, साथ ही उनके बगल में बैठी हुई कुछ मील लेडी होती हैं वहाँ पर नेहा बसीन, जिसपे बार बार हर कमेंट्स पे जो है वो इरिटेट करते हुए नजर आ रही थी प्रतीक सेजपाल को, जिसपे कि हर लाइन को पिक करके वो उसको एग्रेसिव बना दे रही थी नेहा बसीन। जहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ, ये चीज़ें देखने के बाद प्रतीक को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, काफ़ी देर से हो रही थी और वो सुनते जा रहे थे और साथ साथ में अक्षरा से बातें करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों आपको बता दूँ कि इसी बीच उनके सब्र का आह्वान खत्म हो जाता है और वो जोर से बोल देते हैं कि यार इस तरह इरिटेट मत करो, तुम बाहर से मुझे इरिटेट करते हुए आ रही हो, हम लोग बाहर बैठे हुए थे वहाँ पर भी तुम इरिटेट कर रहे थे, अंदर आए फिर भी इरिटेट कर रही हो, चुप हो जाओ, रुक जाओ थोड़ा देर, खाने दो और उसके बाद फिर बातें करते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको बता दूँ कि ये सभी बात सुनने के बाद नेहा भी गुस्सा हो जाती है, हालांकि उनको पता है कि वो भी इरिटेट कर रही हैं और उनके बगल में अक्षरा जी भी बोलती है, अच्छा ठीक, अक्षरा भी बोलती है कि ठीक है उनको छोड़ दीजिए, खाना खाने दीजिए, उसके बाद आप लोग बात कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका इस पे क्या है रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि नेहा करती है प्रतीक को इरिटेट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉडी ओयो को, देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।